फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, और दुख इसलिए है क्योंकि मैं बीमार पड़ गई हूँ। आजकल फिर से वो कोरोना वाला चल पड़ा है कि कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है, बट मैंने अपने सारे टेस्ट वेस्ट कराए, फीवर वगैरह चेक कराया, ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक कराया, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। दवाई भी ले ली मुझे भी मैंने। हम 2 दिन पहले कहीं गए हुए थे तो उस वजह से मैंने वहाँ पर कुछ कुछ खा लिया, हर चीज़ हर कुछ कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ खाना ही खाया था, बट मैं बीमार पड़ गई पता नहीं कहाँ से। तो बट अभी जाना तो है ही ट्रिप पे, तो दुख से ज़्यादा मुझे खुशी है। बट पूरी बॉडी में पेन हो रहा है तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैंने पैकिंग भी नहीं की है, थोड़ी बहुत की कि कौन सा बैग ले जाएं। हम छोटे वाले ले जाना चाह रहे हैं तो इसी में मुझे सामान सारा फिट करना पड़ेगा बड़े। रात को मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई थी तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी मुझे। और अभी मैं लंच बनाऊंगी क्योंकि हम दिन में तो लंच करके जाएंगे, मतलब हमारी रात की फ्लाइट है। जल्दी से पैकिंग करते हैं क्विकली। करने जा रही हूँ लंच प्रिपेयर, और मैं लंच में बना रही हूँ दाल चावल और कढ़ी। वैसे कढ़ी मुझे खानी तो नहीं चाहिए बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट हमारे पास बहुत सारा दही पड़ा हुआ है जो कि हमारे आने तक खराब हो जाएगा, तो मेरा वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं है। तो थोड़ी सी दाल बना रही हूँ, बाकी कढ़ी बना लेंगे और राइस के साथ खा लेंगे। यहाँ पे बन रहा है मेरी दाल के लिए तड़का, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो अभी इसमें मैंने प्याज डाला हुआ है जो कि भुन रहा है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमेटोज। गाइस अभी मेरा खाना वाना बन गया है और यहाँ पे प्रशांत जी भी आ चुके हैं, तो भी हम खाना वाना खाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम अपना काम करेंगे। ये रहा हमारा लंच, यहाँ पे कढ़ी दाल इसमें राइस, ये हमारी सैलेड। अभी खाना खाएंगे और सो अभी प्रशांत खाना वाना खा के जा चुके हैं और नीचे मेरे पास लाए थे 2 फ्लिपकार्ट से जिनको मैं लेके आ गई, और सीढ़ियाँ चढ़ के सांस फूल जाता है मेरा। तो इनकी हम बॉक्सिंग कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे पार्सल ऑर्डर किए थे, मुझे खुद नहीं पता ही क्या आया हुआ है कि। तो ये मेरी सनस्क्रीन, स्ट्रेटनर वेगा का जो कि मैंने पहले ऑर्डर किया था जो मुझे डैमेज रिसीव हुआ था, इस बार अच्छा लग रहा है देखने में कि सही होगा। क्रिम्पलर भी है और कर्लर भी है। मेरी चाय बन चुकी है और सबसे पहले अभी मैं बैठ के रहा हूँ, सभी चाय इंजॉय करूँगी। 5 बजे निकलना ही है यहाँ से क्योंकि हमारी फ्लाइट है 8 बजे की, तो एयरपोर्ट भी थोड़ा दूर है, एयरपोर्ट थोड़ा दूर है, तो फिर मैं पहले बैठ के चाय पीऊँगी, देन हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। ओके सो गाइस, हम लोग तैयार हैं और हमारी कैब आने वाली है। जिन 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 तो हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते में। देखिए दोस्तों, पता नहीं कब पहुँचेंगे दोस्तों, क्या देखो। गाइस हमारे ऊबर वाले भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया है एयरपोर्ट पे। नाउ वी आर रनिंग रनिंग रनिंग। सब लोगों के प्रियजन हमको छोड़ने आए हैं, हमारे साथ कोई नहीं आया। तो अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट पे और यहाँ पर बहुत लंबी क्यू लगी हुई है। क्यू गाइस हमारा अभी चेक इन हो गया है और हम लोग अभी हैं एयरपोर्ट के अंदर। और एक बहुत अच्छी बात हुई कि वहाँ पे हमें हिमाचल के एक कैफे बार में वाले भैया, पुलिस वाले जो भी थे, वो मिले और उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने मुझे कहा आप कहाँ से हो, मैंने कहा हिमाचल से, और मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात हुई, मैंने ये जो कड़ा पहन रखा है, मैं अंदर वो गई थी ना
चेकिंग के लिए रूम में, वो मेरे को पूछते पुलिस वाले ये आपने कहाँ से लिया ये वाला आगे वाला बैग। मैंने बोला मैंने कोलकाता से मंगवाया है ये। तो मेरे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई ही। पति को कह रही हूँ मुझे शॉपिंग करा दो, मुझे कुछ तो ले जा रहे हैं फूड कोर्ट में कुछ खाने पीने के लिए। कभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम भटक रहे हैं इधर उधर। मतलब कुछ मिल तो रहा है, बहुत कुछ रहा है, पर हमें पसंद नहीं आ रहा है कुछ। नहीं कर पा रहे हैं कि क्या खाएं क्या खाएं आखिर। तो हम आ चुके हैं मैकडी, अभी हमने ऑर्डर कर लिया है बर्गर खुद के लिए, और मैंने करी है कोल्ड कॉफ़ी। आपने क्या करा है? कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ। वैसे भी मैं बीमार हूँ ना, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी, मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी। आपका है पकड़ो, एक्सचेंज करो। देखिए लोग एयरपोर्ट पे योगा कर रहे हैं। गाइस मैं बुड्ढी हो गई, मेरे से चला नहीं जाता है, तो इसलिए हम इस पे जा रहे हैं ट्रैवलेटर, इसको बोलते हैं ट्रैवलेटर। हम लोग खाते पीते घूमते घूमते इतना गुम हो गए कि लास्ट फाइनल कॉल यहाँ पे दे रहे थे बेचारे, बट कोई नहीं है तो हमें ले जाएंगे। पैसे नहीं दिए ना हमने उनको, तो हम भग रहे हैं भग रहे हैं भग रहे हैं। ये होगी हमारे यहाँ स्पाइसी जेट, यहाँ पे हमारी फ्लाइट बिल्कुल बाहर लगी है, ये सीधा इसके अंदर हमें ठूस रहे हैं। हम लोग हैं कहाँ पर? छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई पर। मेरा फोटो खींच दो कहीं पे अच्छा सा, पता नहीं क्या बनाया हुआ है पर जो भी है बहुत सुंदर लग रहा है। बॉम्बे एयरपोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी ग्रीनरी हर तरफ। और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर लें। साथ लाए सामान को सामने वाली कुर्सी के नीचे या आपकी सीट के ऊपर बने ओवरहेड बिन में ही रखें। यदि आप रो एक What's your name? Ha ha ha!
तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोवा फाइनली। अभी हम गोवा एयरपोर्ट के बाहर और अभी हम जा रहे हैं अपनी टैक्सी में अपने होटल तक। और कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चला, झटपट से पहुंच गए यार। और थोड़ी थोड़ी मुझे भूख लग गई है, अब खाया तो हमने था और फिर से भूख लग गई मुझे। और फाइनली मुझे लग ही नहीं रहा है मैं गोवा में, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में ही हूँ, अभी फीलिंग ही नहीं आ रही है मुझे। सो अभी हम पीने लगे हैं चाय। और देखो यहाँ पे कितना छोटा सा कप है चाय का, ऐसे टब से ऐसा लग रहा है। सो अभी हम बैठ चुके हैं अपनी टैक्सी के अंदर और अभी हम बस निकलेंगे। और मैं फिर से बीमार फील कर रही हूँ। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में। अब हम लोग रेस्ट करेंगे, अभी बज रहे हैं सुबह के 3। अभी हम रेस्ट करेंगे फिर सुबह हम जाएंगे घूमने फिरने। आ रही हूँ मैं, हाँ आ रही हूँ। तो अभी सुबह के 3 बज गए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी फ्लाइट जो थी वो घूम के थी, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू गोवा। तो अभी हम फाइनली गोवा में हैं और हमारा जो होटल था वो है एयरपोर्ट से था वो 40 किलोमीटर दूर। तो अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं, अभी हम अपने रूम में चेंज करेंगे और आराम करेंगे और कल करेंगे घूमी। ओके सो ये हमारा रूम है, हमारा बेड है, अब तो सो जाते हैं अब जल्दी से। खाना तो नहीं खाना है कुछ। सो देखिए यहाँ पे रात के 4 बजे स्विगी किया गया है। क्या किया है? 4 बजे होते हैं सुबह के 4 बजे। जोमेटो जो अभी क्या किया है पता नहीं क्या किया है। भूखे लोग